नमस्कार। सो अभी तक हम एमसीसी का वेट कर रहे हैं, पता नहीं हर राउंड में एमसीसी लेट कर रहे हैं, ना तो एनआरआई राउंड टू कन्वर्जन का अभी तक अपडेट आया है और ना ही इसलिए अभी तो फ्रेश चॉइस फिलिंग वगैरह रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ फॉर राउंड टू। तो वी आर ऑलरेडी 2 डेज लेट, आज 6 तारीख हो गई है, वरना तो ये काम 5 तारीख से स्टार्ट होना था। और मैं आप लोगों को शुरू से भी समझा रहा हूँ, इसलिए हर चीज़ 1 दिन 2 दिन 3 दिन आगे पीछे होती है, तो बिल्कुल डेट्स को लेके फिलहाल एक माइंडसेट मत बनाइए। और समटाइम वही डेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी कैन हेल्प अस, जो एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिए, इस बार अगर एमसीसी लेट होता तो कई बार फ़ायदा हो जाता है टू गेट द ऑप्टिमल सीट, क्योंकि वो क्लैश हो जाती है ना स्टेट और एमसीसी की डेट्स, तो यू कैन टेक द ऑप्टिमल डिसीजन। जब डेट्स क्लैश नहीं करती तब हमको बहुत ज़्यादा एस्टिमेट अनुमान लगाने पड़ते हैं कि क्या कट ऑफ रहेगी, हम पैसा भरे ना भरे, 2 लाख रुपये ख़राब करें ना करें। बहरहाल ये वीडियो यूपी के लिए, क्योंकि यूपी का राउंड टू का सीट मैट्रिक्स तो भी नहीं आया, लेकिन यूपी ने बहुत अच्छा काम किया। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट टेक्निक हैवी पीपल। और जब जैसे जैसे आप लोग नोडल सेंटर में रिपोर्ट कर रहे थे, वैसे वैसे वो लाइव वेबसाइट पे कर रहे थे कि कितने बच्चों ने किस कॉलेज की किस सीट के लिए रिपोर्ट करा। अभी इनमें से काफ़ी लोग अपग्रेड के लिए जा सकते हैं, रिज़ाइन कर सकते हैं, पर हमें ये तो पता है कि इतने बच्चों तो रिपोर्ट ही नहीं करा। और इसमें से मैंने रिपीट किया, चूँकि फ्री एग्जिट है, रेजिग्नेशन अलाउड है, तो कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं कि एमसीसी राउंड टू की सीट मिल जाए तो यूपी जाके छोड़ आए, तो वो सीटें भी खुल जाती हैं हमारे लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ब्रॉडली बताता हूँ, तो नॉन माइनॉरिटी में आउट ऑफ 29 कॉलेजेस जो टोटल थे, 768 सीट्स अभी खाली हैं। ओके, और जिसमें वही सुभारती ने 31 लोगों ने रिपोर्ट नहीं करा, शायद उन्होंने को वीडियो देख लिया होगा कि भैया फीस बहुत बढ़ने वाली है, और 70 ने फिर भी कर लिया। इसके अलावा आप ऐसे कई लोग कहते हैं कि सर आप हमेशा कहते हो टॉप क्लास कॉलेज शेरा मूर्ति बरेली, उसमें तो 46 से रिपोर्ट नहीं करा। तो देखिए भाई, जिसके उतने नंबर है ना उसके पास दूसरी ऑप्शंस भी थी, तो वेन यू आर 600+ आपको क्या पता कस्तूरबा मिल गया हो, देन समबडी कैन चूज टू गो टू कस्तूरबा। तो समटाइम ऐसे शेरा मूर्ति की सीट खाली रह जाती है, और जो बल्कि नीचे वाले कॉलेज थे उनमें से किसी की सीट नहीं बची है। तो गोरखपुर की सीट जो खैर 85 थी, खाली 2 बची हैं। अजय संघाल की खाली 18 बची हैं। KMC महाराजगंज थोड़ा फिर भी दूर था, नारायण कानपुर की 19 बची हैं। तो इस तरह से पूरी एक लिस्ट है जिसमें टोटल 768 सीट्स खाली बची हैं। एक एक बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बट रफली स्पीकिंग आप ये कह सकते हो हर जगह सीट है। चलो फिर भी बोलता हूँ, श्री राम मूर्ति बरेली 46, मुजफ्फरनगर 22, रोहिलाखंड 39, रामा कानपुर 19, सरस्वती हापुर 23, सिंध बाराबंकी 11, शारदा 27, रामा हापुर 33, सुभारती नॉर्मल 100 में से 31। फिर इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, राजश्री बरेली 46 अभी खाली है 250 में से, हेरिटेज वाराणसी 31 खाली है, हिंद सीतापुर 11 खाली हैं, TS मिश्रा 29, प्रसाद 25, मायो बाराबंकी 32, KM मथुरा 38, सरस्वती उन्नाव 53, 150 में से, KD मथुरा 14, GS हापुर 20, NCR मेरठ 18, वरुण अर्जुन 21, वेंकटेश्वरा मरोहा 35, यूनाइटेड 11, नोएडा इंटरनेशनल 22, नारायणा कानपुर 19, SKS मथुरा 21, श्री गोरखनाथ 2, KMC 34, अजय संघाल 18 और श्री सिद्धि विनायक संबल 17। टोटल आउट ऑफ 5,200 सीटें 768 लोग नहीं गए इन सीटों में से, विच इज़ गुड 15%, बट 85% ने ज्वाइन भी कराया, जबकि असल फ्री एग्जिट था। तो यूपी में सस्ती फीस है तो लोगों के पास और ऑप्शन ही नहीं है जो बजट कॉन्शियस है। माइनॉरिटी कॉलेजेस में जो नॉन माइनॉरिटी सीट्स थी उसमें काफ़ी खुल हुए, करियर में 75 में से 44 लोग नहीं गए, एरा में 75 में से 33 नहीं गए, तीर्थांकर में 75 में से 28 नहीं गए, FH आगरा में से 46 नहीं गए, इंटीग्रल में 38 नहीं गए। तो इन सबको देख के मैं ये कह सकता हूँ कि कट ऑफ ज़रूर गिरेगी। और जो 352 पे नॉन माइनॉरिटी ख़त्म हो गई थी लास्ट राउंड में, 353 पे आप एक रफली 340 का तो आइडिया लगा सकते हो, अब 340 से कितना नीचे गिरेगा, क्योंकि देखिए फ्रेश लोग भी आ सकते हैं ना बाहर वाले, बट मैं रफली बोलूँ सो 335 टू 340 आपको राउंड टू में नॉन माइनॉरिटी सीट मिल सकती है। माइनॉरिटी की बात करें, जैसे मैंने कहा काफ़ी सीटें खाली हैं, और सिमिलरली अगर हम MBBS में जो माइनॉरिटी सीट्स हैं तो करियर में 22 लोग नहीं गए, एरा में 11 नहीं गए, तीर्थांकर में 51 नहीं गए, एक्चुअली 35 अलॉटमेंट हुई थी, 11 नहीं गए, और बाकी जो 40 बची तो 40+11 51 हैं। FH आगरा में 20 नहीं गए, इंटीग्रल में नहीं गए 14, सबसे इम्पॉर्टेंट सुभारती मेरठ बुद्ध माइनॉरिटी
100 सीट्स हैं टोटल, बाईस अलॉटमेंट हुई थी, दो नहीं गए, 80 वो तो सॉरी दो और 80 एग्जैक्ट 80 सीट्स अवेलेबल हैं राउंड टू में। अब देखिए समस्या ये है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन करा, कोई मेरे पास फ़ोन आ रहे बेचारे जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं जो कि जेन्युइनली बुद्ध जिनने इनफॉर्मली धर्म ज्वाइन कर लिया था 6 महीने साल पहले, उनके घरों में काफ़ी लोगों ने धर्म ज्वाइन कर रखा है बट उन्हें जानकारी नहीं थी, और जब रजिस्ट्रेशन हुआ तो उन्होंने हिंदू करके अपने आप को रजिस्ट्रेशन कर लिया। क्योंकि जब याद कीजिए यूपी का रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो आपसे वो धर्म पूछ रहा था, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और बुद्ध का भी ऑप्शन आ रहा था, वो सुभारती के लिए आ रहा था। तो जो लोग ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, एडिड रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन कभी यूपी देता नहीं है, तो अगर नहीं दी तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप इस सीट्स पे नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई ऐसा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब भाई था जो कि बहन है जिनके घर में बौद्ध धर्म अपनाया जा चुका है, या देखिए दूसरे धर्म के लोग भी, कोई मनाए तो है नहीं बौद्ध धर्म अपनाने से तो कोई भी आप में से ऐसा है जो बौद्ध धर्म को फॉलो करता है, 80 सीटें अवेलेबल हैं, शुभार्थी की फीस बढ़ भी जाएगी तो भी 1-10 का पैकेज पड़ेगा, और 1-10 की अगर वो उतनी बढ़ गई तीर्थांकर की तरह है। लेकिन देखिए अगर आपके 200, 250, 180 नंबर हैं तो शुभार्थी जैसा शानदार कॉलेज आपको नॉर्थ इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया के लोग रहने वाले हैं, आपको 1-10 के पैकेज मिल सकता है। वो कैसे सीट लेनी है, किस तरह से पेपर डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कौन से परफेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है जो कि आपको आपके पेपर पूरे करेंगे बुद्ध मनल्टी के लिए, ये जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 9643362320 पे कॉल करके, यही नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है। सो बुद्ध मनल्टी में कौन कौन से आपको पेपर चाहिए, जो लोग ऑलरेडी बुद्ध हैं लेकिन पूरे पेपर्स उनके पास नहीं है, कौन कौन से पेपर्स हैं जो लगेंगे ताकि आपको ये सीट आराम से मिल जाए, आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको गाइड करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। और इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि उम्मीद है कि यूपी में जो नॉन माइनॉरिटी था वो 340 तक तो पक्का आ जाएगा, बाकी रफली में बोलूँ तो 330 भी आ सकता है ठीक है जी। उसके अलावा जो अगर मैं नॉन माइनॉरिटी की बात करूँ, माइनॉरिटी कॉलेज की बात करूँ, जो नॉन माइनॉरिटी बच्चे थे जो लास्ट ईयर करियर थे 32 भी ख़त्म हो गया था, या इरा या तीर्थंकर 405 पे गए थे, तो आप ये मान के चलिए कि करियर 300 पे आ सकता है नॉन माइनॉरिटी बच्चों के लिए। इरा तीर्थंकर 350-360 पे आ सकता है, FH भी 300 पे आ सकता है, इंटीग्रल 310-315 पे आ सकता है। माइनॉरिटी की बात करूँ, करियर 252 से गिर के 230 पे आ सकता है, एरा 300 पे आ सकता है, तीर्थांकर तो अवेलेबल है जो मर्जी ले ले माइनॉरिटी, इंटीग्रल 250 पे आ सकता है, FH 200 पे आ सकता है नंबरों पे। ये एक रफ एस्टिमेट मान के चलिए, इसके आसपास हो जाता है 2-4 नंबर ऊपर नीचे। तो तीर्थांकर अगर आप जैन हो खुली सीट अवेलेबल है, शुभार्थी या बौद्ध हो फिलहाल खुली सीट अवेलेबल है, माइनॉरिटी के अंदर आप करियर में हो तो फिर भी 200-220 नंबर लेके चलिए आप एस्टीमेट। आपको इरा की माइनॉरिटी चाहिए 300 लेके चलिए, इंटीग्रल की चाहिए 270 लेके चलिए, FH की चाहिए 220 लेके चलिए। इन्हीं कॉलेजों में नॉन माइनॉरिटी हो करियर आप 280-290 प्लस लेके चलिए, एरा आप 350, तीर्थांकर 350, FH आप 280-290 पकड़ के चलिए, इंटीग्रल 310-320 और नॉन माइनॉरिटी तो मैंने आपको बताई दिया 335-340, मतलब मुझे उम्मीद नहीं है कि 330 के नीचे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, तो आप अपनी दूसरी काउंसलिंग्स के बैकअप जरूर लेके चलिए। और जैसा कि मैंने कहा जो भी आप में से बुद्ध माइनॉरिटी से बिलोंग करता है, कौन कौन से पेपर आपको चाहिए ताकि आपको सीट आराम से मिले, कोई दिक्कत ना हो, फील फ्री टू कॉल अस ऑन 9643362320। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।